हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा गाइस, बीएससी फाइनल ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कल अपलोड करूंगी। तो बीएससी फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट है वो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर चेक करेंगे। बीएससी फाइनल ईयर का जो प्ले लिस्ट बना है वहां पर जाकर के आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जरूर चेक करें। कल तक वो जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है गाइस। बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। हालांकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, जो कि इन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बीच में से जो है वो पूछे जाते हैं। तो गाइस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो जो है वो बनाऊंगी। ये जो 25 क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिनकी तैयारी आप लोगों को करना है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो 25 क्वेश्चन है वो आप लोगों को एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बॉर्न हैबर चक्र को उदाहरण देते हुए समझाइए, एक्सप्लेन बॉर्न हैबर साइकिल गिविंग सुइटेबल एग्जाम्पल। तो ये जो बॉर्न हैबर साइकिल है, जो कि इसका नोट्स आपको मेरे चैनल में मिलेगा, काफी इजी टेक्निक इजी वर्ड में मैंने ये नोट्स जो है वो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो आप लोग एक बार जाके चेक जरूर करें। बॉर्न हैबर चक्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में जो है वो आ चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ये जो है वो यूनिट 3 का है। सेकेंड क्वेश्चन है, जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, इसे परिकलित कैसे किया जाता है, केवल समीकरण दीजिए। व्हाट इज लैटिस एनर्जी, हाउ इज लैटिस एनर्जी डिटरमाइंड, गिव फॉर्मूला ओनली। तो ये जो लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, बॉर्न हैबर साइकिल, एक ही यूनिट से जो है वो क्वेश्चन है और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से जो विकर्ण संबंध है, मीन्स डायगोनल रिलेशनशिप है, वो भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। मतलब इसे भी एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को समझाना पड़ेगा। विकर्ण संबंध एस ब्लॉक एलिमेंट से है ये क्वेश्चन। ये सारे नोट्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे गाइस। चौथा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जितने भी थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है जिसमें सिद्धांत लगा हो या थ्योरी लगा हो, वो क्वेश्चन को आप लोगों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो काफी पूछा जाता है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, त्रिज्यानुपात का नियम क्या है, व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल। ये जो है वो यूनिट 3 का क्वेश्चन है, इसकी को तैयारी भी आप लोग कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है त्रिज्यानुपात का नियम, हालांकि मैं अभी नोट्स नहीं बनाई हूँ, बट कोशिश करूंगी एग्जाम के पहले ये बन जाए। बट ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार रिपीट हुए हैं। इस यूनिट 3 से अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वो त्रिज्यानुपात का नियम ही है। छठवा है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, धात्विक बंध। तो गाइस, मैंने आप लोगों को जो धात्विक बंध बताया हुआ था, मीन्स मेटलिक बॉन्ड बताया हुआ था, उसमें भी उसी में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग चेक जरूर करें। सातवा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीएसपीआर थ्योरी। मैंने कहा था कि जो सिद्धांत वाला क्वेश्चन है उसमें से एक भी टॉपिक आप लोगों को नहीं छोड़ना है। तो जो वीएसपीआर थ्योरी है वो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को याद करना है, एग्जाम्पल के सहित आप लोगों को जो है वो याद करना है। आप लोगों के सिलेबस में 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे कि H2O, अमोनिया, तो ये जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उसकी तैयारी भी आप लोगों को करना है, क्योंकि एग्जाम में केवल वीएसपीआर थ्योरी नहीं आता है। हमेशा ये पूछा जाता है कि वीएसपीआर सिद्धांत मतलब वीएसपीआर सिद्धांत से आप क्या समझते हो, और कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसका आप लोगों को डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और जो भी बॉन्ड एंगल है उसका साइज शेप कैसा है, ये सारा चीज जो है वो पूछा जाएगा। तो गाइस, एग्जाम्पल कौन सा आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट वीएसपीआर थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आठवा है संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो गाइस, संकरण तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, चाहे 11th 12th की बात करो या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सारे ईयर में पूरे एमएससी तक आप लोगों की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो काम आएगा। हाइब्रिडाइजेशन में एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी टू एसपी थ्री डी थ्री विथ एग्जाम्पल आप लोगों को याद करना है। यहाँ पे बीएससी में आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत जो है वो आता है। हर एक एग्जाम्पल का आप लोगों को जो बॉन्ड एंगल है, स्ट्रक्चर है, वो सारा चीज आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो देखना है। उसके बाद आगे गाइस, फायांस के नियमों को उदाहरण देकर के समझाइए, डिस्कस फजन्स रूल गिविंग सुटेबल एग्जांपल। मतलब ये जो फजन का रूल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इस पे अभी नोट्स नहीं बनाई हूँ, बट जल्द ही बनाने की कोशिश करूंगी। और गाइस, जो मेरे प्लेलिस्ट में जितने क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक के लिए, वो सारे क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जरूर करें। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है तो एटलीस्ट आप सभी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन
पे ही डिपेंड मत रहना। उसके बाद गाइस जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, मीन्स दो नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, टिप्पणी लिखो, मतलब इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारा यूनिट वन में आपको मिलेगा। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो एक दो नंबर के लिए आते हैं। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं गाइस, पॉली का वर्जन नियम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड का बहुलता का नियम, हुंड्स लॉ, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जीमन प्रभाव, जीमन इफेक्ट, अबाउ का नियम, ये सारे क्वेश्चन भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप में जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, 12वां नंबर में है डी ब्रोकली के सिद्धांत की वर्णन कीजिए। तो मैंने आप लोग पहले ही कहा था जितने थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है उसको में से एक भी नहीं छोड़ना है। डिस्क्राइब डी ब्रोकली प्रिंसिपल, इसके अलावा जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो भी आप लोगों को देखना है। हालांकि मैं इसमें नहीं बताई हूँ, बट मैं इसमें बताना जो लिखना जो है वो भूल गई हूँ, बट श्रोडिंजर समीकरण भी इम्पोर्टेंट है। श्रोडिंजर समीकरण भी बीएससी फाइनल ईयर तक आप लोगों के काम आएगा। तो उसके 13 नंबर में है आणविक कक्षक सिद्धांत, मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो गाइस जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने जो कॉलम बनाने वाला जो हम लोगों ने देखा था, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बहुत सारे एग्जाम्पल था आप लोगों का, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, एमओ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, वो सभी की तैयारी भी आप लोगों को करना है, क्योंकि उसका जो कॉलम जो रहता है वो बनाना जो है वो आता है। 14 नंबर में है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में भी आप लोगों को जो डिफरेंस बिटवीन है वो आ सकता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मतलब ये जो एमओटी, वीबीटी, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गाइस लिथियम और बेरिलियम का व्यवहार, बेरिलियम एंड लिथियम एबनॉर्मल बिहेवियर, तो इसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी आप लोगों को जो है वो समझना है। एस ब्लॉक के एलिमेंट के अंतर्गत जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो आता है। उसके बाद गाइस यूनिट 5 पी ब्लॉक के एलिमेंट से ये जो क्वेश्चन है, डाइबोरेन की संरचना एवं गुण लिखिए, राइट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइबोरेन काफी बार जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। यूनिट 5 पी ब्लॉक के एलिमेंट से अंतरा हेलोजन यौगिक, मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 18वां नंबर में सिलिकेटों से आप क्या समझते हो, ये सारे यूनिट 5 के क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय सिलिकेट्स, तो सिलिकेट्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, कैसे बना जाता है, इसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे चीजों को आप लोगों को सिलिकेट्स के बारे में जो है वो पढ़ना है। आगे है फुलेरिन क्या है, इसकी संरचना बताइए, व्हाट आर फुलेरिन, सो इट्स स्ट्रक्चर, ये तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। 20वां नंबर में है बोराजोल बनाने की विधि एवं संरचना, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड बोराजीन, बोराजीन भी इसे कहा जाता है। 21 नंबर में है एस ब्लॉक के एलिमेंट के जैविक तंत्र में क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इन बायो सिस्टम, मतलब जो जैविक तंत्र है उसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट किस प्रकार के लिए जो है वो कार्य है, इसका फंक्शन क्या है, ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना है। एस ब्लॉक के एलिमेंट से ही क्वेश्चन है संकुलन प्रवृत्ति क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्सन टेंडेंसीज क्या है एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देख लेना एक बार गाइस। देन है जालक दोष, लैटिस डिफेक्ट, लैटिस डिफेक्ट में बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो ये सारे टाइप्स भी आप लोगों को लैटिस दोष, जालक दोष में जो है वो देखना है। 24वां नंबर में है सम आयन प्रभाव, यूनिट 5 का क्वेश्चन है, कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी देखना है। और गाइस जो उत्कृष्ट गैस वाला जो यूनिट है वो भी मैं भूल गई हूँ बताना, उत्कृष्ट गैसें जो है वो भी आप लोगों को देखना है। उसके बाद जो अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, एसपी, पीपी, ये सारे ओवरलैपिंग विथ एग्जांपल आप लोगों को देखना है गाइस। तो ये है गाइस इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है, वो उसके लिए मैं बाद में वीडियो जो है वो बनाऊंगी, इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप 30 से 40 क्वेश्चन जो है बताऊंगी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं हुई है और आप लोग जस्ट पास होना चाहते हो, तो अगर आप इतने क्वेश्चन को भी अगर आप पढ़ के जाते हो एग्जाम में, 25 क्वेश्चन को भी ये तैयारी अगर आप करते हो, तो एटलीस्ट आप पास जरूर हो जाओगे। बट इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए गाइस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।